नमस्कार, मैं प्रताप सिंह आजाद, आप देख रहे हैं जनबात टाइम, सच के साथ एक कदम। आज हम खड़े हुए हैं एमपी पुरा ताजगंज गुम्बट पर, जहां के लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं, जहां पर पशुओं की आबादी ज़्यादा है और आए दिन निकलते गढ़ते लोगों पर हादसा होता रहता है। कभी भी कोई भी आदमी अस्मत हो सकता है शिकार, इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत के लिए, प्रशासन का नहीं जा रहा इस ओर कोई ध्यान। अब पूछते हैं जनता को इनकी समस्याओं को लेके, क्या है प्रॉब्लम। कभी भी यहाँ पर दो सांड लगड़ जाते हैं, उनके बीच में कोई भी बच्चा बुजुर्ग आदमी आ सकता है और उसकी जान सकती है, इसके जिम्मेदार होगा कौन, पूछते हैं पब्लिक से। सरकार होगी, सरकार, योगी सरकार। यहाँ पर क्या, किस तरह, ये कहता हूँ, इस तरह जो होता है, आपने कहीं शिकायत नहीं की पार्षद से, विधायक से या नगर निगम में, तो क्या हुआ, उन्होंने सुनवाई की नहीं की? हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, हमने सब जगह शिकायत करी है इसकी, और यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, जान भी जा सकती है बच्चों की, बड़े बूढ़ों की भी, और जनता इतनी परेशान है। हमारे तो दुकान के शटर वगैरह सब टूट गए हैं, दुकान टूटती है, गाड़ियाँ टूटती हैं, दीवार टूट जाती है। पब्लिक का कहना है कि यहाँ पर कभी बिल्डिंगों को जो बाउंड्री होती है उनको भी तोड़ दिया जाता है, गेट तोड़ दिए जाते हैं और इस तरह जानवर अंदर घुसे चले जाते हैं, जिससे कभी भी जान जा सकती है। प्रशासन को इस तरफ नहीं है ध्यान, इसलिए प्रशासन से मांग है इन लोगों की कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बोलो, यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, जिनावर परेशान करते हैं और चौतरी पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे भी चढ़ जाते हैं, आने जाने वालों को भी परेशानी है, गाड़ियां रुक जाती हैं, रास्ते ही नहीं मिलती है, बिल्कुल तोड़ बोड़ होती है, मकान बच्चों को भी दीवार गिर जाती है, चौतरी टूट जाती है, बच्चों को छुट्टी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, फिर कई हादसा हो चुके हैं। स्कूल से आते बच्चों को भी जान का है खतरा आवारा पशुओं से, लेकिन इनके लिए कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे, जिससे किसी की जान जाने से बचे। बोलो, ये सांवलिया श्री कृष्ण की गायें जो छोड़ देते हैं दूध पी के ना ही, और जो साहब यहाँ ग्रस्ता में मतलब बैठ रही हैं, गोबर करती हैं, परेशान करती हैं, और जो हाँ घटना करती हैं, और मतलब ये मानते हैं नहीं, कई दफ़े खबर करिए वो छोड़ देते हैं, ये बेजार गैया जिनकी पानतू है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।